एपर्ट प्रोजेक्ट में इन दिनों कई विकास कार्य चल रहे हैं और यहां प्रदूषण ना हो इसके लिए ई व्हीकल्स भी मंगवाए गए हैं। प्रदेश की शहर के बीच एकमात्र लेपर्ड सफारी को लेकर बढ़ रहे पर्यटकों के रुझान को लेकर हमारे सहयोगी निर्मल तिवारी ने की रेंजर जनेश्वर सिंह से खास बातचीत। इस समय हम हैं झालाना जो प्रोजेक्ट लेपर्ड है उसके अंदर, हमारे साथ हैं यहाँ के रेंजर जनेश्वर जी। जनेश्वर जी, इको फ्रेंडली एकदम पूरा रहे यहाँ का वातावरण, यहाँ का पर्यावरण को नुकसान ना हो, उसको लेकर नई थीम आई ई व्हीकल्स की, किस तरह से देखते हैं इसको, क्या फ़ायदा होने वाला है इसका? देखिए, ई व्हीकल्स जो हैं आने वाले समय में लेपर्ड रिजर्व भी नहीं, सारे टाइगर रिजर्व में जिप्सी व्हीकल्स की जगह लेने वाले हैं, क्योंकि ये नो एयर पोल्यूशन और जो है ये बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है, इसमें वाइल्ड एनिमल को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है और उसको जो टूरिस्ट जो हैं वो भी नज़दीकी से उसका देखने का आनंद अपना ले सकते हैं। ई व्हीकल्स की थीम थोड़े दिनों में रणथंभौर में भी कहा गया है कि वहाँ भी इस तरह से ला रहे हैं, लेकिन झालाना प्रोजेक्ट लेपर्ड की बात करें, छोटा एक फॉरेस्ट है, किस तरह से ये उपयोगी साबित हो सकते हैं ताकि लेपर्ड का जो उसका जो रहवास है जहाँ वो रह रहा है उसको तकलीफ भी ना हो, किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी इनके आप ड्राइवर्स का करेंगे ताकि वो लेपर्ड को किसी तरह का इसमें कोई परेशानी ना हो और ये व्हीकल्स चलने से पर्यावरण भी प्रॉपर रहे? देखो, झालाना लेपर्ड रिजर्व जो है वो चूँकि जयपुर के बीच में बसा हुआ है और जो है हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि कम जंगल में ये लेपर्ड जो हैं फैले होते हैं, इनको कम से कम मिनिमम डिस्टर्बेंस हो, इसी के लिए जो है हमने उसके पेट्रोल व्हीकल्स के स्थान पर जो है ये ई व्हीकल्स हमने स्टार्ट करे और दूसरा हम ड्राइवर्स को भी इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रहे हैं कि वो पर्यटकों को जंगल के अंदर भ्रमण के दौरान पर्यटक भ्रमण का भी आनंद ले सकें, जंगल का और वन्यजीवों का आनंद ले सकें और वन्यजीवों को भी डिस्टर्बेंस मिनिमम हो। तो अभी पहले फेज़ में आपके पास कितने व्हीकल्स हैं और क्या सेकंड फेज़ में और भी व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी? देखिए, फिलहाल हमारे पास 6 ही व्हीकल्स हैं, पहले से ही 10 जिप्सियाँ पेट्रोल जिप्सियाँ हमारे चल रही हैं और बढ़ाने के ऊपर तो जो है प्रशासन इस पर उच्च अधिकारी निर्णय ले गएंगे, लेकिन ये ज़रूर है झालाना में ही नहीं पूरे और जगह भी जो है पेट्रोल व्हीकल्स की जगह ई व्हीकल्स लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं, आप हैं जनेश्वर चौधरी, आपका कहना है कि यहाँ ई व्हीकल्स आने से न केवल पर्यावरण सुधरेगा साथ ही साथ जो पैंथर्स का जो रहवास है निश्चित तौर पर उसमें कम डिस्टर्बेंस होगा, अगर वो उनमें कम उनको अगर बाधा पहुंचाई जाएगी तो निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया साइटिंग भी होगी, विकास की भी तमाम जो योजनाएं झालाना की वो भी हाथ में ले रखी हैं। उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश का एकमात्र ऐसा ये प्रोजेक्ट लेपर्ड है जहाँ की शहर के बीच में लेपर्ड सफारी कराई जाती है और जैसे ही पर्यटक सीजन और अपने चरम पर होगा और जैसे ही मानसून आएगा निश्चित तौर पर यहाँ की साइटिंग और बेहतर हो पाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र सिंगल के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।